सो हे गाइस वेलकम बैक, स्वागत है आपका भाई पहले दिन में। आज के दिन हम जाएंगे वहाँ पे। और भाई तुम्हारे भाई को इतनी नींद आ रही थी फिर भी कैमरा ऑन होती, पता नहीं कहाँ से एनर्जी आ गई। भैया वेट कर रहे हैं हमारी, वैसे ही ये कह रहे चिड़चिड़ कर रहे थे। लग रही है ये साहिल की है, मेरे को तो पता ही नहीं था कपड़े है भाई। वो मैं रो रहा घर पे, मैंने कहा कपड़े नहीं है कपड़े नहीं है। भाई ने एक शर्ट दी एक और दी, और अब तुम्हारा भाई ऐसे आउटफिट में है। बहुत लेट हो रहा है भैया जी भी, तो चलो अंदर चलो, अभी ओट्स खाएंगे हम और ये गाना सुनेंगे। तो भाई ये दोनों देखो छोरे ऐसी टी शर्ट वगैरह पहन के आ गए, ये इन्फ्लुएंसर लाइफ, क्योंकि मेरे को सुबह प्लेन के साथ एक फोटो खींच के इंस्टाग्राम पे डालनी है, इसलिए इतना तैयार होके आया हूँ। वरना ऐसे पहनते हैं जो पहली बार प्लेन में चढ़ रहे होते हैं। और तू अपनी माँ की कसम खा जा, आज से पहले कभी चढ़ा है? साला खुद पहली बार जा रहा है। बैठने को खुशी तो तुझे ऐसी हो रही है, मैं तो नॉर्मल होने के जा रहा हूँ। मेरे को खुशी हो रही है भाइयों से मिलूंगा मुंबई वालों से। और गाइस अवार्ड्स खा के तुम्हें सीधा एयरपोर्ट भी मिलता हूँ, वरना यहीं पे ब्लॉग बना दूंगा 10 मिनट का। तुम कहोगे यही बोली जा रहा है, यही बोली जा रहा है। अवार्ड्स तो खा रहा है भाई प्लेन में, मतलब पादरा स्टार्ट कर दिए वहां पे, तो बैठ के ना वो भी नहीं होता। तो मैं भाग कर जाऊंगा, खिड़की खोल दियो ना पाद आएगा तो तेरे को ऑक्सीजन मास्क दिला देंगे नर्स से। आए नर्स नर्स थोड़ी होती है वहां। So guys, we are at airport and waiting for my girlfriend. She is coming. Abhi. Okay. So guys, I can't show you that because my love life is very private. So I will meet you after meeting her and having some kisses. Okay. ये बहन चो बॉलीवुड वाले जाती है, इधर कैमरा उधर कैमरा, वो कहते हैं नो नो। हम किसी को नो क्या बोले, कोई खींच ही नहीं रहा हमारी, हम खुद ही लगे हुए हैं। मैंने किसी से नहीं शर्माना, जो दिखेगी प्यारी। हाय आई एम आरुष, आई एम अ यूट्यूबर, व्हाट अबाउट यू? सो गाइस ज्यादा कुछ नहीं, जैसे मेट्रो में कूपन निकालते हैं ना, यहाँ पे आना पड़ता है। अब ये कैंसिल करियो, कैंसिल कर यार, अभी कैंसिल कर। क्यों गलत लिख दिया? अबे जल्दी दिखा मेरे को, तो आर के आश्रम डाल वीरेश जादीपुर। दोनों का है, दोनों का इसमें एक हो रहा है, कह रहा है हाँ तेरी है। So guys, मैं अपना नया फोन यहाँ पे रख रहा हूँ ट्रे में। मेरा रखने का मन तो नहीं कर रहा, बट रखना पड़ रहा, वरना ट्रेन से आना पड़ेगा, या तो ट्रे या ट्रेन। रखता हूँ इधर, बाय। दुआ करना सही सलामत मिल जाए। गाइज फोन मिल गया सही सलामत, थैंक्स टू इंडियन आर्मी। गाइज ये वेप ले आया था, चला गया हमारा वेप। मेरे को तो लगा था मार वार पड़ेगी वेप पकड़ के, पर मारा नहीं इसको। मैंने कहा भाई मार पड़ेगी अब। ये चूती है, गोवा के अंदर हम गए थे, वहां पर एक एक पूरा डब्बा डाला था वेप का, कोई दिक्कत नहीं थी। हुक्का भी था या एक ही लाया तू? नहीं तो कैसे हो मेरे टिकटॉक के चैनल पर? आजा पूछ ले कैसे क्लबिंग करनी है, जल्दी आजा। हाँ वही कर रहा हूँ, कोई पूछ ले यूट्यूबर। गाइज मैंने बहुत घूरा यहाँ पे सबको, बट मेरी टक्कर का कोई नहीं दिख रहा, सबसे स्मार्ट तुम्हारा भाई। तो भाई मेरे को एक बात बताओ, मतलब मैं सबवे पे गया, वहाँ पे दो बड़ी प्यारी प्यारी लड़कियाँ खड़ी हुई थी, मैंने तो उनकी तरफ देखा भी नहीं। मैंने सबवे वाले को कहा एक्सक्यूज मी सब ऑफ द डे के आज, वो हंसने को लग गई भाई। आई डोंट नो ब्रो, पता नहीं यार, यही कोई लड़का हंस दे लड़की के ऊपर फिर उस पर नीचे कमेंट करके बता देंगे शायद से। व्हाट इज दिस यार, चल पिज्जा खा के आता हूँ, वो एवरीडे वैल्यू। ओके सर। भैया कितने टाइम लगेगा? तब तक चटनी प्याज दे दो। गाइस ये देखो 586 रुपीस, अभी तक हम प्लेन पे भी नहीं चढ़े, इसलिए मेरे को रोड ट्रिप बढ़िया लगती है। ढाबे मेरे को 500 रुपये में पूरा टब्बर खा लेता है। ये कितने का? 586 रुपये। तेरे को मैंने कहा था प्लेन की टिकट कराइयो, मेरे को बस में ले आया। भाई यार तेरे को पैसे वैसे चाहिए तो ले लिया कर, अब बताओ भाई इतना लंबा सफर बस में जाना पड़ेगा। तो गाइस फाइनली अब हम जा रहे हैं अपने प्लेन में, उसके बाद तुम्हें सीधा सुबह मिलूंगा और थोड़े बहुत बादल भी दिखाऊंगा। अभी बादल बादल बादल, वो मूवी वो नहीं थी जो जिया जी कहेंगे वो मैं करूंगा, उसमें बादल था वो वाला बादल। भाई ये देखो अभी मेरे को कैसे डरा दिया इधर, मैंने यू दबाया छोड़।
तो गाइस यहाँ पे ना बेल्ट होती है, तो वो पहन लेना, कल को चलान कट सकता है आगे ठुल्ले खड़े हुए तो। मैंने तो पहन ली अभी, मेरे को ना वहाँ देखी मैं फटाफट बोली सीट पे चल गया था, इसने कहा 26 है अपना, तो मेरे को लगा 26 वही करने के लिए इधर ई या ई इधर आना पड़ गया। तो भाई टाइम हो रहा है 7:30 और अभी हम हैं मुंबई वाले एयरपोर्ट पे। मैं तो सो गया था, मतलब मानो यूँ आँख बंद करी दिल्ली में, आँख खुली आ गया, तगड़ी नींद आई है। यहाँ आगे मेरे को थोड़ी गोवा वाली फील आ रही है, ये वाले पेड़ देखते हैं। और यहाँ पे अभी एक लड़की हमें बहुत स्टॉप कर रही है, बट हमारी दम नहीं हो रही हम उससे बात करें। वैभव विल मिस यू ब्रदर तेरी बैड। तो भाई यहाँ पे क्या सीन है मुंबई में, वहाँ पे एक ऑटो की लाइन है, यहाँ पे बंदों की लाइन है। आओ ऑटो में बैठो, मीटर ऑन करो, कोई ऑटो वाला मना नहीं करेगा। और ये देख के मेरे को इतना बढ़िया लगा कि भाई दिल्ली में तो मरता बंदा मर जाता है यार, ऑटो वाले लेके नहीं जाते। तो वहाँ पे भी कुछ ऐसा होना चाहिए। और यहाँ पे हमारी पलमन पता नहीं कुछ ऐसा नाम है दीदी का, वो कह रही है मैं बैठी हूँ, ऑटो वाला मना नहीं कर सकता। तो मैंने कहा उनके जैसे लोग दिल्ली में भी होने चाहिए, पर दिल्ली में तो अपने पे गाड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने इधर खड़े होकर लैला को लाइन में लगा दिया, जब तुम्हें लड़की सी तो काम आए भैया मीटर से चलेंगे ना। वाह देखो भाई, पहली बार जिंदगी में कोई ऑटो वाला मेरे को कह रहा मीटर से चले, देख लो भाई दीदी की वजह से। चलो भाई बैठ अंदर। भाई एक काम दिया था लैला को कि होटल कर लियो कोई, इसने इतना रद्दी, मतलब आपको जो है कि रिक्शा जल्दी नहीं मिलेगा, आपको चल के वहीं जाने पड़ेगा। ले मुंबई के दूसरे कोने में इसने होटल करा है, पता नहीं कहाँ पे बैठो। और इतना गंदा होटल है, दूर से इतना गंदा लग रहा है। उधर जो रिक्शा खड़ा था ऐसे लग रहा पहाड़ों पे आ गया हूँ। वो देखो चढ़ाई चढ़नी है फिर होटल है। तो भाई हमने फाइनली ये डिसाइड करा था कि वहां से जो ये चूतिया ने होटल बुक किया था वो तो हमने छोड़ दिया। अब यहाँ पे कोई देख रहे हैं IBS नाम का होटल है, वहाँ जाके देख रहे हैं। बाकी भैया बहुत हेल्प कर रहे हैं हमारी, जो यहाँ पे होटल भैया डेढ़ घंटे से हमें घुमाई जा रही है, थैंक यू उनको भी। हुआ है मेरे को अपने ऊपर गर्व हुआ है एक इन्फ्लुएंसर बनने में, क्योंकि यहाँ पे रूम वगैरह तो था नहीं, बट इन्होंने मेरे को पहचान लिया, कह रहे आप यूट्यूब वगैरह वीडियोस बनाते हो ना, आओ ब्रेकफास्ट करो अपने साथ। ये दो छड़े भी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं फुल फ्री, तसल्ली का देखो तुम। अभी कॉफ़ी पी रहा हूँ फिर इसके बाद अंडे खाऊंगा, फिर ओटमील बना के खाऊंगा, फिर देखेंगे होटल कौन से जाना है। अभी VIP वाला अपना ट्रीटमेंट चल रहा है फ्री में। लव यू यूट्यूब, लव यू, क्या कातिरदारी कराते हो तुम, बैठ जाओ मेरी। डिनर भी होगा, तू टेंशन ना ले, स्टोरी डाल देंगे। मेरे को भी पहली बार ही दिख रहा है। अबे हम बाहर देश में पहली बार आए ना, इंडिया से बाहर पता नहीं है भाई। थैंक यू, मेरे को लगता नहीं था मेरे ब्लॉग्स इंडिया से बाहर भी लोग देखते हैं, तो मुंबई में देखने के लिए थैंक यू। आरुषा एनीथिंग एल्स? भाई साहब लव यू यूट्यूब वालों, लव यू, इतनी खातिरदारी करा रहे हो तुम मेरी, बस ये पहचान गए कि यूट्यूबर, उसके बाद कोल्ड कॉफी मिल रही है, सर 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 हो रही है, मजा आ गया। बहुत तेज की आ रही है यार। क्या आ रही है? बहुत तेज की आ रही है। मेरे को तो करने थे पहले, तूने तो कर लिया, दो पक्तों ने निकल गए, ढूंढ रोक लिया उसको। अबे चलते गिन्ने, अबे भाई भाई आजा, माँ की कसम गिन्ने बहुत तेज क्या रखी है गिन्ने। अबे आ रहा हूँ, मेरे को तो कर रहे थे। करने थी ढंग से ना, खुद कर रहा है। चल मैं फिर जा रहा हूँ, परफ्यूम देख ले मारी। भाई यार अब तो टट्टी भी रुक गई है बहन की। सो गाइस तुम्हें रूम टूर देता हूँ नाक बंद करके, ये हमारा वॉशरूम है, ठीक है, बहुत प्यारा है। अबे बहन का ना बिजली भाग देगी तेरे, ड्रायर भी है, करते रही तो ड्रायर भी है, और क्या कहते हैं ये अपना रूम है, अच्छी अच्छी ड्राइंग्स बनी हुई है, यहाँ से अपना व्यू है, वो देखो पूल, पूरी मुंबई सिटी अपने को दिख रही है। और लैला का बेड तो दिखा दे, लैला यहाँ पे सोएगा।
हम दोनों यहाँ पे। तो दोस्तों मैं तो नींद वींद में था पूरी ट्रिप में, मैंने अब मुंह धोके देखा भाई भाई बहुत स्मार्ट लग रहा तुम्हारा भाई, बहन की चूत यार, मजाक चढ़ के। और ये शर्ट को मैं बहुत अंडर एस्टिमेट कर रहा था, ये थोड़ी मोटी सी है मेरे को लगा ऐसी होगी, बट जो पर्सनैलिटी निकल के आ रही है ना इसमें, मतलब नेक्स्ट लेवल ब्रदर, नेक्स्ट लेवल। यहाँ पे दिल्ली वालों की वैल्यू डबल कर देगा तुम्हारा भाई। और अभी हम जा रहे हैं नीचे एक ऐसी गेड़ी मारने, उसके बाद आएंगे फिर तैयार होएंगे। मैं तो सोच रहा हूँ ऐसे ही चले जाऊँ एक्सपो में, बट मेरा मन नहीं है क्योंकि वहाँ पे बॉडी दिखाऊंगा, कोई ड्राई फिट टी शर्ट पहन के जाऊँगा। उसके बाद एक्सपो में जाएंगे, फिर एक्सपो में पूरा फन करेंगे, फिर रात को आज पार्टी करेंगे। तो तुम साथ में जुड़े रहो, यहीं पे सब बता दूंगा फिर क्या मजा आएगा, चलते चलते देखते रहो। चलो तो भाई यहाँ पे जैसे अपने उधर प्लेटफॉर्म होता है ना ट्रेन का, यहाँ पे तो लोकल ही है ये देखो, मतलब ये जैसे पटेल नगर से मोती नगर जाना तो भी इस पे चढ़ जाओ। सो गाइस चाहे दिल्ली हो या मुंबई, फुल एंजॉय हर जगह है। लेट जा तो चेक करो भाई तुम्हारा भाई कैसा लग रहा है, गधे वाला जैसा लग रहा है। तेरी बहन की चूत हर वीडियो खराब करता है वो सड़ी के। सो गाइस फाइनली निकल चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन के लिए शो में। ओए फोन अंदर रखो, ये डेट पेटी ये बैठ गई है तेरे। तो वहां पे जाके तुमसे मिलते हैं और तुम्हें भी सारा माहौल दिखाते हैं जो है वहां पे। स्मार्टी लग रहा है, मैंने की चूत दिल्ली वाले लग दिखते हैं। मैं तो नहीं लग रहा हूं भाई, तू भी लग रहा आज। आए पहली बार सुना बैठ के अल्लाह तारीफ कर दी। तो भाई एंट्री ले लिया अपना बच्चा भी, अबे मतलब आगे पास यार नहीं यार, एंट्री ले लिया। अब यहाँ पे माहौल बता दो तुम, पास काला पास नहीं आया हूँ, 18 अभी आया हूँ। मुझे गाली दे रहे होते हैं तो का नहीं तो। भाई ये तो दिल्ली के मुकाबले जीरो है, जीरो बिल्कुल। दिल्ली में इतना फन आ रहा था, यहाँ पे तो मतलब इतने शरीफ बंदे मिल रहे हैं, वहाँ पे मिल रहे थे, बकचोदी काट रहे थे यहाँ पे, और आरुष भाई फोटो खिंचाई चले गए, ये अच्छी बात है। बट यार मतलब मजा नहीं आ रहा यहाँ पे, मतलब बकचोद बंदे नहीं दिख रहे अपने जैसे, मतलब वो डायलॉग भी नहीं है। हाँ डायलॉग बुलवाओ, भीड़ लगे, वो मजा नहीं आ रहा यार, पता नहीं क्यों। बाकी देखते अभी तो 10 मिनट ही हुए हैं, बंदे मिल रहे हैं बट वो नहीं हो पा रहा, दिल्ली वाली वाइब नहीं, वाइब नहीं आ रही, वाइब नहीं आ रही यार। मैं शो से तो अपनी सारी उम्मीदें खत्म करके बैठ चुका हूँ, अब मैं बस मुंबई घूमूंगा। यहाँ पे बस एक ही अच्छी चीज़ है जो भाई मिल रहे हैं, मतलब उनसे मिलना हो पाया, बाकी और कुछ भी डेड वाइब है बिल्कुल, ना कंपटीशन का क्रेज ना कुछ, क्राउड डेड, जीरो हाइप। वो दिल्ली वाली बातचीत आई नहीं रही कहीं पे, अब बस खाली मुंबई में मजे आ जाए घूमने फिरने के। अब ये भूल जाए कि हम शो के लिए आए थे, अब खाली इंजॉय करेंगे मुंबई में, घूमो बस। चलो भाई ओके राजू भाई मैं चलता हूँ। सर 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 एक फोटो सर। बहुत ही खराब एक्सपीरियंस, बहुत ही खराब, इतना एक्सपेक्टेड नहीं था मेरे को, जीरो डेड वाइब। मजा आया तेरे को? सही बोल रहा हूं, जीरो वाइब। चलो फर्स्ट एक्सपीरियंस है, इतना बेकार गया है भाई। दिल्ली वाले में होता ना तू, तीनों दिन गए थे और तीनों दिन इतना एंजॉय किया था, मतलब ये लग रहा था कि आज बहुत ज्यादा एंजॉय हो गया, कल नहीं होगा, और कल उससे ज्यादा एंजॉय हो रहा था। यहाँ मैं बीच वाले दिन आया हूँ दूसरे, और मैं कल शायद ही आऊंगा। सो गाइस वी आर सजेस्टेड बाय आवर वन ऑफ आवर फ्रेंड दैट वी शुड गो फॉर कार्टर रोड, सो लेट्स गो कार्टर रोड देन शो कार्टर रोड। थोड़ा सा चेंज, हमारी नींद पूरी नहीं हुई थी तो अब थोड़ा सा आराम करेंगे, और शो हमारे बाप का तो था नहीं जो झूठी तारीफें करते भाई, बिल्कुल मजा नहीं आया सच बताऊं तो।
और अब दीज गाइज आर रेस्टिंग, आई विल ऑल्सो टेक रेस्ट, देन वी विल गो टू कार्टर रोड, देन ट्राई टू क्लबिंग एंड कैचिंग. लेट्स गो, लेट्स टेक सम रेस्ट ब्रदर. चलो भाई मैकडी टाइम. मैकडी वाला फोन तो नहीं बजाया जा रहा था, हम तो रेड हो गए थे. कितने बनाए? सही में? सॉरी मैकडी भाई. भाई 9 बज गए हैं और हम सो गए थे. मैं तो उठ गया हूँ, इनको बाजा मारी जा रही है, अभी भी सो रहे हैं, तो इनको जगाता हूँ. ओ लैला, ओ लैला, ओ लैला, तू तो खड़ा हो ना बहन के लोड़े. अब अबे भाई 9 बज गया, सोने आया क्या? अब चलेंगे. सो गाइस ऑल सेट टू चेक दिल्ली. ओ दिल्ली तो ऐसे जुबान पे बैठ गया भाई, अंदर अंदर घुस के. मुंबई इज नाइट लाइफ. चलो भाई चलिए, कम सोया कर बहन के लंड. चला तेरी बारी अब. मैं तो सोता ही नहीं. तेरी बहन की. मैं तो टाया तुम्हें, मैं तो. भाई अब हम जा रहे हैं, क्या नाम था उसका, बॉम्बे कॉकटेल बार. वहाँ पे अक्षित भाई ने अपनी एंट्री गेस्ट लिस्ट में लिखवा दी है, जाके देखते हैं क्या मॉल है वहाँ पे. अगर बढ़िया मॉल हुआ फिर उसके बाद हम जाएंगे मैरीन ड्राइव. वहाँ पे मरीन ड्राइव होता है, मैरीन ड्राइव नहीं होता भाई, हड़का लोड़ा मरीन ड्राइव चिल करने. चलो यहाँ पे मेरे को भाई कर ली फुल क्लबिंग वगैरह, बढ़िया था, अच्छा था. पता नहीं क्लब कैसा था, हमें तो आइडिया नहीं है यहाँ का. दोस्त ने बताया था तो चले गए, बढ़िया था अपना. भाई ने तो पांच पांच छह लड़कियों पे जाके बात करी, पर उन्होंने आगे से नहीं करी, वो अलग बात है. नींबू ले यार, राज्य ना पानी पिया बहन के लड़ने. तो भाई ये अपने आपको सेंशा सेंशा कहते हैं, बुलाए एक बार पूछे कौन है सेंशा. ये अमिताभ बच्चन का घर. कहाँ लिखा बच्चन? तो लिखा नहीं. ओ भाई ये बुला लगा. तो एक बंदे से पेमेंट उठानी थी 30,000 रुपए, उसको फोन आया था. कब आया था? परसों तरसों आया था ना. हाँ कि भाई आरुष भाई एक 30,000 रुपए पेटीएम कर दो. तो उसको 30,000 रुपए करे थे, फोन वोन नहीं उठा रहा, तो उसके घर के बाहर ही जा रहा हूँ. तो मैं सीधा उसके पास ही लेकर चलता हूँ. भाई बॉम्बे सुंदर है यार, ये साला ऐसी मेरे को कही जा रहा पुरानी दिल्ली आ गए, ये आ गए. कौन सा है ये? इसकी शादी हो गई भाई. ये देखो अंबानी की लड़की का घर है ये. इस लड़के ने अपनी जिंदगी के वो पूरा कर लिए. पिछले जन्म में कितने बढ़िया कर्म कर लेंगे इसने. अंबानी की बेटी से शादी हो गई. तो भाई ये देखो, ये रहा उस बंदे का घर जिससे 30,000 रुपए लेंगे. भाई मजाक से हटके इधर आके ना, इतने बड़े बड़े बंदों के घर देख लिए कि अंदर से ऐसा हो रहा है कि हमने तो कुछ किया ही नहीं अभी तक. अब कुछ करना है लाइफ में, ऐसे बड़े बड़े घर इकट्ठे करने. ये किसका है? ये जिंदल स्टील वाले का घर, वो रहा अंबानी का घर. अलग से तो महल है भाई. है? जिंदल वाले का तो महल है. अबे अंबानी का देखना शीश महल. ओए होए होए, थोड़ी देर रोक देना इस साइड पे. क्या करना है? तो भाई ये पीछे देख रहे हो, ये है ताज होटल जहाँ पे ट्रेजेडी हुई थी 26/11 वाली. तो नीचे उनके लिए ओम शांति लिख देते एक बार. बाकी सोच के भी घबराहट होती है. चलो अब तो दोबारा बढ़िया चल रहा है. वैसे एक बात बताओ नीचे कमेंट में, अगर तुम्हें यहाँ पे फ्री होटल मिलेगा तुम जाके रह लोगे? मेरे को तो डर लगेगा यार. अब तू रह लेगा? हाँ आप ना, कोई दिक्कत है यार. अगर फिर भी वो पुरानी यादें आ जाए, तो अकेले रह लेगा रूम में? नहीं यार मैं तो नहीं रह पाऊंगा. बाकी भाई मुंबई बहुत बढ़िया है यार. आई टेक माई वर्ड्स बैक शुरू के ब्लॉक के. मजा आ गया ना रात को घूम के, मजा आ गया भाई दर्शन करके. दिल्ली से बढ़िया नाइट लाइफ है यहाँ की. हाँ ये दिल्ली में तो विनोद जी करने ही नहीं देते नाइट लाइफ.
तो भाई अब हम आ गए हैं बड़े बिना, यहाँ पे खाने पीने, और यहाँ का खाना बहुत फेमस है। बाकी कैसा है खा के बताएंगे, दिल्ली वालों को अगर पसंद आ गया तो बढ़िया ही होगा, वरना ठीक ठीक होगा। अगर मैंने ये भी कह दिया ना कि हाँ सही है तो भी मतलब बढ़िया है मुंबई के हिसाब से। क्या हो गया बाबू, भूख लग रही है भाई, आधे घंटे से नहीं दिया खाना इन्होंने। बड़े मियाँ की हवाई टाइम लगाएंगे ना। बड़े मियाँ अपने आप को सच में बड़ा मान रहे हैं, इनकी बहन की टांग। भाई ले आओ यार खाना। हाँ भाई मेरा बैच आ रहा है, आ रहा है दिल्ली का स्वाद आ रहा है। ओके है काम चल जाएगा। टाइम देखना 3 बज रहे हैं रात के, और ये नहीं समझ आ रहा खाने क्या है। इतना घटिया खाना, इतना घटिया खाना, इतना घटिया खाना भाई, मतलब बहुत ही गंदा खाना, इतना ज़्यादा स्वाद नहीं था। अबे स्वाद क्या है जो फीका खाना, ठंडी रुमाली, रुमाली ऐसी थी जो नॉर्मल रोटी होती है उससे भी मोटी, और वो तेल ही तेल भर रखा पूरा। अब जो दिल्ली में बटर चिकन खाओ तेल होता तो स्वाद कितना होता है, यहाँ पे ना स्वाद ना वो। अब हम जैसा जिम वाला बंदा भाई चीट मिल करता है, इतना सा वो होता है कि चल भाई चीट मिल कर रहे हैं तो टेस्ट तो आया कम से कम। अब ये गिल्ड ट्रिप में चला गया, चीट मिल भी हो गई बहन की लोड़ी, ना टेस्ट आया। दिल्ली में सबसे गंदा खाना जो होता है ना, सबसे गंदा, वो इधर से सबसे अच्छा होगा। मेरा तो जी कच्चा हो गया खाना का, क्या पेट खराब हो रहा है भाई साहब। कभी भी भाई हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, अगर मेरे सब्सक्राइबर हो, मेरे भाई हो, मेरी भाइयों की बहन हो, तो इधर खाने मत आना भाई, बिल्कुल बहुत बकवास खाना था, बिल्कुल 0/10 बहन की टांग, सच दिल से कह रहा हूँ भाई। मैंने कहा चल किसी का क्या बोलना, पर यार और ओवर प्राइस्ड, 1700 रुपये बिल आया हमारा 3 आइटम का। उसके बाद वेटिंग आधे घंटे, पहले 15 मिनट में टेबल दिया, उसके बाद अंदर आधा घंटा बैठा दिया, पेप्सी मांगी पेप्सी नहीं आ रही, जीरो सर्विस। टिप तो मैं तो फिर भी दे के आया हूँ जो उधर बंदा बैठता है, क्योंकि यार वो मेहनती होती है उनको टिप दिया करो। बाकी बिल्कुल ख़राब खाना, काटा मार दो इधर काटा, इससे बढ़िया भूखे बैठ जाना। पहले क्या हो गया वो, जब किस्मत में लिखे हो लोड़े तो कहाँ से खाओगे पकोड़े। ऊपर वाला खा ले, ऊपर वाला साफ होगा ना, नीचे निकाल छोड़ दे बुड्ढे। अबे एक स्टोरी याद आ गई, पकड़, एक स्टोरी याद आ गई, ये गिरा हुआ देख के। भाई मेरे को मिलते थे घर से 10 रुपये दिन के, ठीक है, तो मैंने पूरे हफ्ते पैसे जोड़े कि चिकन रोल खाऊंगा रोल सट से पटेल नगर में, 70 रुपये का आता था। पूरे हफ्ते पैसे जोड़े, संडे को रोल लिया 70 रुपये का, बहन का लोड़ा जैसे ही हल्का सा आगे चला हाथ से गिर गया। मैंने देखा कोई देख तो नहीं रहा, तुम्हारे भाई ने उठाया खा गया। और वो कैनित को पता थी स्टोरी, कैनित मेरा बचपन का दोस्त है, कनाडा गया हुआ, कभी तुम देखते हो इंस्टा पे स्टोरी वगैरह शेयर करता हूँ, बड़ा मादरचोद आदमी, उसको पता थी ये वाली स्टोरी। वो बहनचोद ने मेरे को बहुत ब्लैकमेल किया, और आज मैं भाई ओपन में बता रहा हूँ, हाँ भाई गिरा हुआ रोल खाया था, अब कर ब्लैकमेल बहन के लंड। बाकी भाई अब आ गए हम मरीन ड्राइव पे, यहाँ पे चिल करेंगे आराम से, जैसे अपने उधर इंडिया गेट है इधर मरीन ड्राइव है। तो ठीक है भाइयों, अब इधर बैठ के अपना करते हैं ब्लॉग बंद। आज का दिन बहुत ही बढ़िया था, पहली बार आया हूँ मैं मुंबई, और पहली बार आते ही लोगों ने प्यार दिखाया, मिले शो वगैरह में, एक दो ने बाहर भी पहचाना, तो वो काफ़ी अच्छा लगता है मेरे को, वो सबसे बढ़िया चीज़ थी। बाकी दूसरा, स्टार्टिंग में हमें लग रहा था कि भाई ये मुंबई कहाँ घूम रहे हैं, बट जब इधर आई है मैरीन ड्राइव की साइड, यहाँ का एरिया बहुत बढ़िया है और क्राउड वगैरह भी बढ़िया, बट खाना यहाँ का बेकार है, और बस थोड़ा टाइम दो तो हर चीज़ बढ़िया लगने लग जाती है। जैसे स्टार्टिंग में हम खज्जल हो रहे थे कि भाई कहाँ आ गए, बट अब बढ़िया लग रहा है, और पहला दिन तो बहुत बढ़िया गया। कल देखता हूँ शो में शायद ही जाऊँगा, मेरे को वाइब अच्छी नहीं आई शो में, क्योंकि दिल्ली वाली वाइब की अलग बातचीत थी। और अब मिलेंगे तुमसे कल अगली वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि देखो अभी होटल जाके मैं ये वाला व्लॉग एडिट करूँगा, सोऊंगा नहीं बाहर रह के भी, तो ये काम ही अपना एक काम कर रहे हैं। तुम हमें हमारी मेहनत को रंग लाओ, वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और ऐसे ही प्यार दिखाते रहा करो, बस लव यू भाइयों। आज बड़े बड़े घर देख के सोच लिया हमने भी, अब बहुत कुछ बड़ा करना है, ज़्यादा बड़ा करे ना करे, 1-2 साल के अंदर अंदर अपना घर लेना है खुद का, तो बस तुम सपोर्ट करो, चलो। तो भाई हम तो वहीं पे बैठ के सैड सॉन्ग सुन रहे थे, इतना मज़ा आया ना, मतलब इतनी पुरानी डीप मेमोरीज़ में चला गया मैं, ज़्यादा पुरानी नहीं है, 1-2 महीने पुरानी है, बट मेमोरीज़ में चला गया।
और अब इधर बैठ के मतलब 4 बज रहे हैं फिर भी देखो कितना माहौल है यहाँ पे। दिल्ली में ये चीज़ नहीं है, नाइट लाइफ ये वाली नहीं है, मतलब 4-4 बजे तक ऐसे बंदे इकट्ठे नहीं होते थे, है ना। मज़ा आ रहा था लेटे लेटे ना, लेटे लेटे चिल कर रहे थे। और अभी एक बार भीड़ देखना, 4 बज रहे और ऐसे वहाँ तक, वहाँ भाई वहाँ कोने तक भीड़ लगी हुई है। ये तो एक ये भी हो सकता है कि इनको पता लग गया हो मैं आया हूँ। थोड़ा पापी मैं गाली देता काफी, पर जिंदगी में बढ़ने के लिए कभी ना चाटी 3 बटन से भारी।